अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारिया ख़ान और आज की जो हमारी वीडियो है वो है 18 के ऊपर। तो 18 की एक ओवरव्यू वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है जिसके ऊपर मैंने अपने व्यूअर्स को बताया था कि उसका एक ओवरव्यू क्या है, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से उसको बनाया जा रहा है और वो तमाम डिटेल्स उसमें मौजूद थी। और उसके अलावा कंपैरेटिवली ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसकी कुछ डिटेल्स थी जिसको हम लोग सेपरेटली कवर करना चाहते थे ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं हम बेहतर तरीके से उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। तो इस वजह से आज की जो वीडियो है उस वीडियो में आप लोग ये जान सकेंगे कि इसकी जो अपडेटेड प्राइस लिस्ट है वो क्या है, इनकी प्राइस रेंज कितनी, कहाँ किधर से इंक्रीज़ हुई है। तो इस वीडियो में आप लोग जान सकेंगे कि इनकी जो अपडेटेड प्राइस लिस्ट है विलाज और अपार्टमेंट्स की वो क्या है, और 18 एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट क्यों है, और उसके अलावा ये लोग कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो अपने रेजिडेंट्स और विजिटर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैसिलिटीज़ से जो कि 18 अपने रेजिडेंट्स को विजिटर्स को प्रोवाइड करेगा। तो फैसिलिटीज़ की बात करते हुए वहाँ पर 18 होल चैम्पियनशिप गोल्फ कोर्स है ये जिसके बारे में ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। उसके अलावा 13 रनिंग वाटर लेक्स हैं, रिटेल मॉल होगा, हॉस्पिटल और 5-स्टार बोतिक होटल भी वहाँ पर मौजूद होगा। उसके अलावा इंटरटेनमेंट पर्पसेज़ के लिए वहाँ पर क्लब हाउस, क्रिकेट पवेलियन, 2 इंटरनेशनल स्कूल्स भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, 2 मॉस्क्स हैं, और उसके अलावा कन्वीनियंस के लिए भी शॉप्स वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनकी हाउसिंग का अलग से सेपरेट सिस्टम होगा, रेजिडेंशियल एंट्रेंस और अलग है, कमर्शियल एंट्रेंस उनकी सेपरेट है। उसके अलावा विलेज वॉक और पार्कवेज भी हैं वहाँ पर। उनका जो नेबरहुड है, जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर मौजूद है, तो उसका नेबरहुड बिल्कुल ग्रीन है। और उसके अलावा फायर पोस्ट एंड पुलिस स्टेशन की फैसिलिटीज़ भी वहाँ के लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उनको प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पर अराइवल स्क्वायर मौजूद है, फाउंटेन्स होंगी, और उसके अलावा हर क्लस्टर के सेपरेट पार्क्स होंगे एंटरटेनमेंट पर्पसेज़ के लिए, और वहाँ पर सेपरेट ग्रेवयार्ड है, और उसके अलावा नेचुरल रिजर्व्स की भी वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये थी 18 की फैसिलिटीज़ जो वो अपने रेजिडेंट्स और विजिटर्स को प्रोवाइड करेंगे। और अब बात करते हैं इनके प्राइस लिस्ट के बारे में। हम सबसे पहले अपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसकी जो मिनिमम प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होती है 1,41,00,000 से, और वो मैक्सिमम जाती है 1,46,00,000 तक। ये स्टूडियो अपार्टमेंट की डिटेल्स हैं। और उसके अलावा जो उनका 1-बेडरूम अपार्टमेंट है उसकी मिनिमम प्राइस है 1,79,00,000 और मैक्सिमम हो जाती है 1,82,00,000 तक। फिर जो उनकी 2-बेडरूम का अपार्टमेंट है उसकी प्राइस रेंज जो मिनिमम है वो स्टार्ट होती है 2,89,00,000 से, वो मैक्सिमम जाती है 3 करोड़ तक। और उसके बाद जो उनका 3-बेडरूम अपार्टमेंट है उसकी मिनिमम प्राइस रेंज है, जो मिनिमम प्राइस स्टार्ट होती है वो है 3,79,00,000 और मैक्सिमम जाती है 4,11,00,000 तक। और अब बात करते हैं जो उनकी विलास हैं उसकी प्राइस रेंज के बारे में। तो सबसे पहले हाफ़ कनाल की बात करते हुए उसकी जो मिनिमम प्राइस है वो स्टार्ट होती है 5,30,00,000 से, और मैक्सिमम जाती है 6,86,31,720 रुपीस तक। और जब हम 1 कनाल की बात करें तो इसके जो मिनिमम प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होती है 9,60,00,000 से, और मैक्सिमम जाती है 11 करोड़ तक। फिर जो उनके 2 कनाल का विला है उसकी प्राइस जो स्टार्ट होती है 16,45,00,000 से, और मैक्सिमम जाती है 20 करोड़ तक। फिर उनका जो 4 कनाल का विला है उसकी जो मिनिमम प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होती है 28,50,00,000 से, और मैक्सिमम जाती है 34 करोड़ तक। और जो उनका 8 कनाल का विला है उसकी प्राइस रेंज जो मिनिमम है वो है 52 करोड़, और मैक्सिमम जाती है 54 करोड़ तक। और ये थी 18 की एक अपडेटेड प्राइस लिस्ट रिसेंटली जो उनकी अपडेट हुई है 2021 के हिसाब से। और अब हम बात करते हैं 18 के बारे में कि 18 एक्सपेंसिव क्यों है और यहाँ पर कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, ऐसा यहाँ पर क्या है जिसकी वजह से ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहाँ पर जो हाफ लैंड है वो ऑलरेडी ग्रीन है, और उसके अलावा वहाँ पर गोल्फ कोर्स है, और वो लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली वो आप लोगों को टाइटल डीड इंतकाल प्रोवाइड करते हैं, कोई अलॉटमेंट लेटर का उनका सिस्टम नहीं है बाकी सोसाइटीज़ की तरह। उसके अलावा जो कंसल्टेंट्स उन लोगों ने हायर किए हैं, जो आर्किटेक्ट्स, जो मास्टर प्लानर, वो हैं WATG लंदन, जो कि UK की एक लीडिंग इंटीग्रेटेड डिज़ाइन फर्म है, और उनके वर्क की वजह से वो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ किए जा सकते हैं क्योंकि वो स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट डेवलपमेंट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, और इस तरह के उनके और भी कई प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं। उन्होंने 100+ टॉप ऑफ रेंज प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया में डिज़ाइन किए हैं, जैसे कि एटलांटिस दुबई, मलेशिया, चाइना और लास वेगास में भी कई उनके प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। बाकी की उनकी डिटेल्स जानने के लिए आप WATG.com पर जाके रिसर्च करके उनके बारे में मज़ीद चीज़ें जान सकते हैं। उसके बाद जो विम्बरली 18 इंटीरियर्स है वो भी इंटरनेशनल रिकग्नाइज डिज़ाइन प्रैक्टिस है, वे बिलीव करते हैं। और उसके अलावा जो उनका डिज़ाइन स्टूडियो है वो है WATG लंदन।
जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंटीरियर डिज़ाइंस विलास और अपार्टमेंट्स के लिए 18 के डिज़ाइन किए हैं। और इनका जो इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स है वो बनाया जा रहा है IDG से, इंटरनेशनल डिज़ाइन ग्रुप्स के, जो कि वर्ल्ड रीनोन गोल्फ कोर्स एंड लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स मौजूद हैं वहाँ पे। उसके अलावा जो डिफरेंट और इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स इन लोगों ने हायर किए हैं उसमें जो है कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट्स एंड मास्टर प्लानर्स हैं, इंटीरियर्स विम्बली इंटीरियर्स हैं, आउटलाइन मास्टर प्लान उनकी कैलिसन RTKL है, जो गोल्फ कोर्स एंड लैंडस्केपिंग है जैसे मैंने पहले बताया वो IDG है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स उनके हैं वो ECG है। उसके अलावा और भी कई कॉस्ट हैं जैसे कि लैंड सर्वे, सॉइल टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी सर्वे, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, और उसके अलावा सोलर एनर्जी प्रोविजन भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी जिसकी अपनी ही कॉस्ट है और जिसकी वजह से ये काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट है। उसके अलावा ये लोग अपने इस लैंड को ओन करते हैं और वो आपको इंतकाल देते हैं, कोई भी वहाँ पर लीज लेटर या और इस तरह के लेटर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते बाकी सोसाइटीज़ की तरह। और उसके अलावा जो इनकी स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चर है जिसके उसके वजह से आप लोगों के जो एनर्जी बिल्स हैं, कूलिंग और हीटिंग के सिस्टम्स वगैरह हैं, उन सब में एक कमी आएगी, बेसिकली एक एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट विलास होंगे। तो इन तमाम सिस्टम्स को लगाने के लिए और इन सबको प्रोवाइड करने के लिए गैस बेस्ड हीटिंग सिस्टम है इसका, तो वो इन तमाम जो फैसिलिटीज़, जो स्मार्ट फैसिलिटीज़ वो अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से ये एक कॉस्टली प्रोजेक्ट है। उसके अलावा सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल किए जाएंगे रूफ़ पे जिसकी एक अलग कॉस्ट है, और उसके अलावा भी दूसरे एनर्जी बैकअप सिस्टम्स भी हैं जैसे कि कम्युनिटी ग्रिड स्टेशन हो गया इन केस ऑफ लोड शेडिंग। और उसके अलावा जो प्रोड्यूस एनर्जी की जाएगी सोलर पैनल से वो जो है विलास में यूज़ नहीं की जाएगी, वो एडजस्ट कर ली जाएगी अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो मीटरिंग सिस्टम के थ्रू उनमें कोई इशूज़ आते हैं। उसके अलावा जो उनके किचन इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि स्टोव, हुड, फ्रिज, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, कुकर, माइक्रोवेव वगैरह, ये तमाम चीज़ें इस कॉस्ट को कवर करने के लिए विलास में ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो यूनिट प्राइस है वो ऑल्सो जो है वो पोजेशन और डेवलपमेंट चार्जेस को भी कवर करती है। तो ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ को अगर देखा जाए तो उस लिहाज से 18 इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस दिए जाएंगे टेलीफोन और इंटरनेट के लिए, जो कि वो भी एक बहुत ही हाई कॉस्ट एलिमेंट है, और वो आपको स्पीडी कनेक्शंस जो है प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जो है 5 साल की इनकी स्ट्रक्चरल वारंटी है और बिल्कुल ऑन टाइम प्रोजेक्ट डिलीवरी है, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता, बिल्कुल टाइम पर ही प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। और उसके अलावा जो इसकी लोकेशन है वो 20 मिनट्स दूर है इस्लामाबाद डाउनटाउन से, 10 मिनट्स वो दूर है इस्लामाबाद नेशनल एयरपोर्ट से, और वो मेन श्रीनगर हाईवे पे बेस्ड है। तो इस तरह की तमाम जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिहाज से 18 जो है वो अपनी बिल्कुल एक कॉस्ट एफिशिएंट प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा ये अपनी मार्केटिंग और ब्रांड इमेजिंग पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, और उसके अलावा ये जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं नो डाउट ये एक बहुत ही इंटरनेशनल हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको बनाया जा रहा है, और ये एक एलीट हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी। और अब इस वीडियो के एंड की तरफ आते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि 18 के बारे में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, स्पेशली कि ये एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट क्यों है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट प्रोजेक्ट है, और ये जो फैसिलिटीज़ अपने रेजिडेंट्स को, अपने विजिटर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उस लिहाज से ये एक कम्प्लीटली यू कैन से इन रेंज प्रोजेक्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वाकिफ हैं इंटरनेशनल हाई स्टैंडर्ड से। और इसके अलावा 18 के ऊपर एक और ओवरव्यू वीडियो हमारे ही चैनल पे मौजूद है जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि उसकी जो बाकी डिटेल्स हैं एक ओवरव्यू के उसमें क्या क्या मौजूद है, और ये तमाम डिटेल्स वो भी आप हमारे चैनल पे ज़रूर चेक करें। और उसके अलावा और कई प्रोजेक्ट्स हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो कि लीगल प्रोजेक्ट्स हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें बाकी लोगों के साथ, और अगली दफ़ा तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।